तो व्हाट आई एम सेइंग इज इनकी डिमांड क्या थी सीपीआई की? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो एक लेफ्ट विचारधारा की पार्टी है, इनकी डिमांड एक थी किस बारे में? लैंड टू टेलर, मींस जो खेती कर रहा है ना जमीन उसकी हो। तो 1925 में ज्यादातर जमीन किसकी थी? जमींदारों की। इतनी जमीन की गिनती ही नहीं है और कई लोग कहते भूमिहीन थे, लैंड ही नहीं थी। तो लैंड टू टिलर मतलब कि जो व्यक्ति जहां भी खेती कर रहा है उससे जमीन उसको दे दी जाए, वहां की जमीन, और जमींदारों से जमीन वो छीन ली जाए। तो लेफ्ट विचारधारा जमींदारों के बिल्कुल क्या थी? खिलाफ थी। और इसी साल के आसपास में महाराष्ट्र के अंदर हजारों जमींदारों को मार दिया गया था। किस पार्टी के द्वारा? सीपीआई के द्वारा। उनका मानना था कि जमींदार क्या है? शोषण करता है, भगवान इसे उठाने नहीं आएगा, हम उसे उठाएंगे, ये जुल्म कर रहा है। तो उनका ये मानना है कि जुल्म जब हो रहा होता है तो हम ये ना माने कि हमारी हमारी डेस्टिनी है ऐसी कि हमने जुल्म हम पे होना था, हम ऐसे ही हैं, हम गरीब हैं। नहीं, जो शोषण कर रहा है उसी गर्दन काट डालो। तो ये काफ़ी वायलेंट हो गए थे समय में, काफ़ी लोगों ने मार दिया था, काफ़ी लोग मारे गए थे। और इन्होंने ऐसे ऐसे भाषण दिए कि आम किसान भी वो अपनी जो जो दराटी होती है उसको लेकर और बिल्कुल घास काटते टूट पड़े थे किनके ऊपर? जमींदारों के ऊपर। तो काफ़ी जमींदारों को घर से निकाल कर उनको मारा गया था, काटे गए थे काफ़ी जमींदार। तो उनकी फिलासफी में थोड़ा सा मार काट तो है, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ी सी है। दूसरा क्या था कि जो भी विदेशी संपत्ति है वो राष्ट्र कर जाए, मीन्स नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेन प्रॉपर्टीज। तो जो भी विदेशी लोग जिन्होंने यहाँ संपत्ति बना रखी है वो किसकी हो जाए? वो राष्ट्र की हो जाए संपत्ति, राष्ट्र की है। ये फिलॉसफी है। अब कुछ टाइम पहले एक मेरे को मिला लेफ्ट विचारधारा का पर्सन, कई बार ना ऐसे होता है, उनकी उनकी पहचान क्या है? एक गंदा सा कपड़ा पहना होगा उन्होंने, मतलब नॉर्मल सा कपड़ा पहना होगा और बिल्कुल सीधे साधे, एंड नॉलेज उनकी अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो कॉलोनीज बनी है, देखा आपने सुंडला साइड गए, आप सुंडला गए कोई सर्फ को, तो वहाँ पर ना NHPC पुरानी कॉलोनीज बनी हुई हैं और जो बिल्कुल गिरने वाली हैं। तो उसने मुझे कहा कि कैसी बेईमान सरकार है। वो क्या हुआ? उसने कहा कि इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग जो अभी ख़राब हो चुकी हैं, ख़राब होने वाली हैं, गरीबों को दे देती है ये घर। हमारे देश में कितने लोग बेघर हैं, उनको दे देती घर, राइट? तो ये कैसी सरकार है कि खराब होने दिए पर गरीबों को नहीं बांटे? सवाल तो अच्छा पूछा उसने, मगर अनसाइंटिफिक भी है। कोई भी बिल्डिंग बनाते कंक्रीट की ना, उसकी एज 50 साल होती है, लोग मारने उसमें डालकर लोग, सीरियसली, एनी कॉन्क्रीट बिल्डिंग हैज़ द एज ऑफ 50 ईयर, उसके बाद वो बिल्डिंग होती है रिस्क पे, उसे डिसमेंटल करना पड़ता है, डिसमेंटल तोड़ना पड़ता है। अब आप बोलेंगे ये कैसे है, तो चूंकि आपको शायद याद नहीं, कॉन्क्रीट वाले घर आपके पिता की जनरेशन बनाना शुरू करे हैं, उससे पहले घर मिट्टी या वही पत्थर और ऊपर जो स्लेट वगैरह लगा दी उसके बनते थे। तो आपकी पिछली जनरेशन के पापा या मदर ने जो घर बनाए कंक्रीट के, आपको तोड़ने पड़ेंगे आफ्टर सर्टन ईयर। डिस्ट्रक्शन इज विद द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन होगी तो डिस्ट्रक्शन भी होगी। तो उसका इमोशन ठीक था पर उसे ज्ञान नहीं, इमोशनल है ना, इमोशन लोगों को क्यों नहीं दिया, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर भाई, ये कॉन्क्रीट है और इसकी एज 50 ईयर क्या होती है मैक्सिमम। तो ये 1982 में बनी थी ये बिल्डिंग्स, 19 सुनला में जो हाइड्रो प्लांट है सुनगानी वाला, तो 1985 में ये बिल्डिंग बनी थी, 80 से लो अप्रॉक्सीमेटली 90-10 साल, फिर 2000 हो गए, मतलब ये 20 साल वहाँ हो गए और 20 एक हुए 40 हो गए, राइट? और हम 2 साल और है 40, मैंने लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितने साल जो है इसमें हो चुके हैं। तो वो नहीं रिस्क ले रहे हैं कि हम यहाँ पे लोगों को सेटल, क्योंकि सेटल करने का मतलब ही कोई नहीं है, आफ्टर 7-8 ईयर तो तोड़नी पड़ेगी, और लोगों को ऐसे कब्जा देंगे, आओ रुको वहाँ पे, कैसे रुकेंगे, ज़मीन कहीं और रहने वहाँ आएंगे क्या, कोई औचित्य नहीं उस चीज़ का। तो अडल्ट सफरेज मीन्स नेक्स्ट क्या था, अडल्ट सफरेज मीन्स का मतलब था इसका
मीन सबको वोटिंग राइट्स दिए जाएं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मतलब महिला पुरुष सबको वोट करने का अधिकार मिल जाए, ये बात है। कितने वर्किंग आवर डे की बात की थी उन्होंने? बिल्कुल 8 आवर वर्किंग डे, मीन्स दिन में मैक्सिमम 8 घंटे लोगों से काम करवाया जाए, ये था। इसके बाद सोशल इक्वालिटी फॉर वेमेन, इक्वालिटी फॉर वेमेन, इस संस्था में ना एक बात अच्छी है कि महिलाओं को काफ़ी प्रमोट करते हैं, इस संस्था में लोग महिलाओं को काफ़ी क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। उनका मानना है कि महिलाओं के साथ काफ़ी क्या हुए हैं, अत्याचार हुआ है, शोषण, उनको आगे करना हमारा फर्ज है। जबकि आप पाएंगे कि राइट पार्टी में, माने जो राइट विचारधारा है बीजेपी या आरएसएस, यहाँ पे महिलाओं को उतना आगे नहीं किया जाता है। भाजपा से क्या हम ड्रीम कर सकते हैं कोई पीएम बनेगा महिला? मुश्किल है। आरएसएस की चीफ कोई महिला बनेगी? बहुत मुश्किल है। वीएचपी विश्व हिंदू परिषद की कोई चीफ बनेगी महिला? बहुत मुश्किल है। बजरंग दल की कोई चीफ महिला बनेगी? बहुत मुश्किल है। रीज़न क्या है कि मैन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मैन ओरिएंटेड, यहाँ पे थोड़ा महिला ये थोड़ा सा वही पुरुष वाला, थोड़ा सा वही मुस्टाश और वही वाला थोड़ा कद की ऐसे होना चाहिए, लीड कैसे करना है, महिला के आगे हम नहीं आने वाले हैं, महिला के अंडर ऑर्डर नहीं लेंगे, काइंड ऑफ दैट फिलोसफी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ये तो है ही है। और फाइनली सोशल जस्टिस फॉर अनटचेबल, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मिले अछूत को, क्योंकि अछूत व्यक्ति के साथ दुष्व्यवहार हुआ है बाय अपर कास्ट कम्युनिटी, मतलब इतना अछूतपन। अब देखिए अछूतपन होगा तो आप उनका छुआ दूध नहीं लेंगे, सामान नहीं लेंगे, तो ट्रेड कैसे होगा, व्यापार कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे वो लोग। अभी कुछ समय से हर क्षेत्र में क्या हो रहा है, चंबा के गुज्जर लोगों के दूध का बहिष्कार हो रहा है, मालूम है आपको गुजरों का क्या हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है कि पैसे पकड़ो और यहां दोबारा मत दिखना। आप देख रहे वीडियो बन रही है ऐसी कि जो गुज्जर लोग दूध देने आते थे ना चंबा की डिफरेंट मार्केट में, सलूनियों कहीं और हो गया, तो उनका बहिष्कार हो रहा है। अब गुज्जर का दूध नहीं लेंगे तो क्या होगा, उसे नुकसान होगा, सबक मिलेगा उसे, ये सोच रहे हैं ऐसा। पर इकोनॉमिक्स कहती है सप्लाई कम हुई तो इन्फ्लेशन, तुम्हारी पेंट फटते फटते हालत ख़राब हो जाएगी हफ्ते के अंदर ही, मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ। गुज्जर कम्युनिटी चंबा में मिल्क सप्लाई का बड़ा स्रोत है भाई, सीधा इकोनॉमिक्स इसके अंदर। यदि ये दूध इनका नहीं लेंगे, दूध मार्केट में अवेलेबिलिटी कम होगा, और मार्केट में अवेलेबिलिटी कम हो जाए तो जो दूध का बहिष्कार करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स पड़ी है तो इनका बहिष्कार करते समय गाय भी घर में ले आओ, तो कि हम अब सप्लाई सेंड करेंगे, इसका बंद करो हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई पे तो काम हो नहीं रहा है, वो बंद करेंगे तो ब्लॉकेज होगी, तो दाम काफ़ी ऊपर चले जाएंगे, और ऐसा होगा भी नहीं, सब लोग 4 दिन करते हैं। देखिए फैक्ट यही है, ये जो मुद्दा है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग आफ्टर 1 मंथ सब ढीले हो जाएंगे, 1 महीने तक ही चलता है सारा, 1 महीने के बाद कोई और मुद्दा चलेगा, कोई और टॉपिक होगा, और क्या, चुनाव जो आ रहे हैं 24 वाले, और मुद्दा क्या चाहिए हमें, 24 के चुनाव आ रहे हैं फिर कोई और मुद्दा चलेगा, दैट इज़ वाई बहुत कॉम्प्लेक्स है किसी चीज़ पे टिप्पणी करना। अब आपको मैंने कहा था कि 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनाई गई थी, याद है आपको, इसी पार्टी के द्वारा 1936 में क्या बनाया गया था, ऑल इंडिया किसान महासभा, ऑल इंडिया किसान महासभा बनाई गई थी। एक बात तो ये है, तो क्यों बनाई गई थी, किसानों के हक दिलवाने के लिए, टू फाइट फॉर फार्मर्स। अच्छा आप कभी चाहेंगे कि आप किसानी को अपना धंधा बनाएं, अपना बिजनेस बनाएं, किसानी को, शायद नहीं, कि किसानी करने में घाटा है कि नहीं है। आप लोग जो गांव से आए हैं आपको मालूम होगा कि गांव में जो आप खेती करते हैं, अगर आपके अपने बैल नहीं हैं, आप ट्रैक्टर से खेती करते हैं तो लॉस मेकिंग है,
है कि नहीं है, जो पैसा आप लगा देते हैं खेती करने में उपज उतना आता ही नहीं है वापस। तो एग्रीकल्चर इज अ लॉस मेकिंग प्रोफेशन, इसीलिए किसान की कंडीशन ठीक होने वाली नहीं है। हमारे देश में कितना परसेंट किसान है पॉपुलेशन का, कितने परसेंट लोग किसान परिवार है इस देश में? 53%। तो हमारे देश में 53% लोग क्या हैं, किसानी करते हैं। उनमें से कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, फिर भी उनके खेत हैं और किसानी। जैसे आप किसी के पेरेंट हैं गवर्नमेंट जॉब में, यहाँ पर आपके भी हैं गवर्नमेंट जॉब में दो लोगों के, तो इवन देन वो खेती करते हैं ना, ओकेजनल खेती। मतलब जैसे मान लो अभी मक्की बोई जा रही है तो खेती कर डाली, कहते नहीं करते हैं। तो हम उनको किसानी में नहीं गिनेंगे। तो जो जिनका ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग, जो लिखते हैं ना अपने बायोडाटा में कि फार्मिंग उनका बिजनेस है या ऑक्यूपेशन है, वो देश में 53% है। ये फिर मैं कम कह रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट कर्मचारी जो कि खेती का डालते हैं गांव में आकर, उनको गिनेंगे तो लगभग 70% देश का लोग क्या करता है, किसानी करता है। कोई भी देश में किसान को किसानी प्रॉफिटेबल तब होगी जब सिर्फ कितने लोग करेंगे किसानी। आपके गांव में 100 परिवार हैं तो 100 परिवार अपनी जमीन किसको दे दें, 10% मैंने 10 परिवारों को, तो 10 परिवार फिर रहेगा खुशहाल उस जमीन के ऊपर। तो विच मीन्स ये इकोनॉमिकल लॉ है कि जिस भी देश के अंदर किसान 10% उस पॉपुलेशन का उससे कम होगा तो ही उस एग्रीकल्चर में क्या होने वाला है, फायदा। नहीं तो फायदा हमारे देश में कितना परसेंट है? तो अब बताइए, सरकार जिम्मेवार है कि हमारा उस प्रोफेशन में हद से ज़्यादा होना प्रॉब्लम है, हमारा इस प्रोफेशन में हद से ज़्यादा इन्वॉल्व होना प्रॉब्लम है, सरकार प्रॉब्लम नहीं है। इतने से पट्टे हैं जमीन के, क्या निकलेगा उसके अंदर, बताइए मुझे। सरकार क्या करे जब ओवर डिपेंडेंस क्या हो एग्रीकल्चर पे, ये एक बड़ा कारण है। इसके बाद 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन बनाई गई थी, एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात। इसी के द्वारा 1936 में बनाई गई प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन मींस प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन 1936 में बनाई गई थी, जिसका पर्पस क्या था कि भाई आर्ट या ड्रामा के थ्रू जनता तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए कि कैसे लड़ना है जो ऑपरेसर है उससे। तो विच मीन्स आर्ट के जरिए फाइट करना। तो जैसे ऐसे गाने लिखना कि जिसको लड़ पड़े अपने उस ऑपरेसर से, ऐसे गाने लिखना कि एक जो जिस पे जुल्म हो रहा है जुल्म करने वाले की मुंडी उड़ा दे, मतलब ऐसे थोड़ा। एक गाना था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए। इस सोच से एक बात तो साफ होती है, यदि हम इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं, इट मीन्स हम किसी से फाइट करना चाह रहे हैं, हम पे कोई क्या है, ऑपरेसर है। क्या मुकेश अंबानी बोलेगा सुबह उठकर सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल, बोलेगा? ये बोलेगा जिस पे जुल्म हो रहा है, कौन कर्मचारी रिलायंस का ये नहीं दे रहे हैं, भत्ता नहीं दे रहे हैं, छुट्टी नहीं दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे लूट रहे हैं, काम कर रहा हूँ, इंसेंटिव नहीं मिल रहा टाइम पे, ये कौन बोलेगा, कर्मचारी बोलेगा ना। तो नेचुरली जैसी फिलॉसफी वैसा पर्सन को सूट करता है। तो इसलिए जो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन थी, उन्होंने ऐसे गाने लिखे, ऐसे स्लोगन लिखे कि जिस पे जुल्म हो रहा था वो मोटिवेट हो जाए अगेंस्ट जुल्म करने वाले के और खात्मा करे उसका। उसके बाद फिर इवन भगत सिंह भी काफ़ी प्रभावित थे ना ऐसी राइटिंग, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उसी समय जे आर डी टाटा प्लेन उड़ा रहे थे, प्लेन
आप जानते हैं टाटा ग्रुप 1905 में टाटा होटल खोल दिया उसने, टाटा होटल्स, और जेआरडी टाटा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू फ्लाई द प्लेन 1935 के अंदर। भगत सिंह फांसी पर लटक रहे हैं और टाटा हवा में उड़ रहा है। उसी गुलाम हिंदुस्तान के अंदर उसने टाटा होटल, ताज होटल बना दिए। गुलाम हिंदुस्तान में हम कह रहे हैं जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, और टाटा ग्रुप बना रहा है क्या, ताज होटल मुंबई बना दिया उसने। ये क्या चक्कर है? अंग्रेज कैसा था फिर? तो एक बात तो साफ होती है कि कुछ लोगों के अंग्रेज क्या थे, ऑपरेसर, कुछ के लिए वो नहीं थे। इज इट ट्रू नॉट? टाटा एयरलाइंस भी बहुत पहले बन गई थी 1935 में। टाटा, ये क्या हो रहा है? एयरलाइन बना रहा टाटा एयरलाइंस, अंग्रेज हम पर जुल्म कर रहे हैं, वहां पे जनरल डायर लोगों को मार रहा है, और यहाँ टाटा क्या कर रहा है? तो टाटा क्या देशद्रोही था? नहीं, उनका फोकस क्या था? बिजनेस, ट्रेड, जॉब क्रिएशन। और आज टाटा इंडिया की बड़ी कंपनी में से एक कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी में टाटा। सीमेंट, सॉल्ट से लेके क्या नहीं बनाता टाटा, एसी से लेके कार क्या टाटा नहीं बनाता, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग। तो टाटा कैन प्रोड्यूस जस्ट एनीथिंग, इज इट ट्रू नॉट? तो कमाल है उसका ये। तो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन का कहती थी कि स्लोगन्स बनाओ, ड्रामा बनाओ। इवन कई बार आपके कॉलेज में स्किट होती हैं ड्रामा, जिसमें कि कुछ डफली बजाते हैं काले कपड़े पहन के, और ये चोर आया, अपन क्या क्या बोलते रहते हैं, भगवान जाने। तो वो दिखाते हैं ड्रामा के जरिए कि कैसे इस देश में ऑपरेशन हो रहा है, महिलाओं पे ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा करते हैं वो लोग, ऐसी बात नहीं है, मगर फिर वो थोड़ी फिलासफी में जब आदमी फंसा है ना एक बार, तो अपने को भूल जाता है। वो बुरी फिलासफी नहीं है, पर अपने आप को वो भूल जाता है। फिर जब उसकी शादी आती है ना, या घर में कोई फंक्शन आता है, उसे मालूम चलता है कि मुझे अपने फैमिली की ज़रूरतें काफ़ी अभी पूरी करनी बाकी बची हुई थी, और मैं लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहा था, मैं उनके लिए काम कर रहा था, अपने लिए काम ही नहीं कर रहा। ये जो लेफ्ट विचारधारा के पर्सन होते हैं, लोगों के लिए बहुत काम कर रहे होते हैं, अपने परिवार के अंदर अपने माँ या अपने पापा को जूते चप्पल लेके नहीं देते हैं। ये फैक्ट है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर कर भी रहा हूँ। क्या बोलकर? कि सच में इस विचारधारा के अंदर आकर एक पर्सन अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में भूल जाता है, और क्या याद रहते हैं? लोग, अजीब विचारधारा है कसम से। आपका बच्चा मतलब बुरे हाल, कुछ उसके पास फैसिलिटी नहीं है, बट आप किसी और के बच्चे जो रोड पे नंगे पैर घूम रहे हैं, उनको जूते नहीं हैं, उनके पास ये नहीं है, उनके बारे में सोच रहे हैं। तो इन विचारधाराओं से जुड़ा जो भी पेरेंट होगा अपनी फैमिली को भूल जाएगा। अब इस ऑपोजिट कौन होते हैं? इससे बिल्कुल ऑपोजिट नेपोटिज्म वाले, नेपोटिज्म वाले करण जौहर, अपनों को चढ़ा देगा बाकी भाड़ में, स्ट्रगल कर रहे करने दो, नहीं दूंगा मूवी, जाओ भाड़ में जाओ। ये बिल्कुल क्या हुई, दूसरे से रिवर्स हुए। तो नेपोटिज्म वाले अपनी फैमिली को ऊपर, और लेफ्टिस्ट अपनी फैमिली इग्नोर। ये सुबह निकलते हैं 6 बजे और शाम को 9 बजे आते हैं, क्यों? कुर्ता पहनती, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ लूट मर रही है, वहाँ ये हो रहा है लोग, तो इसमें वो उलझे रहते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम विद देम। बहरहाल आगे हम बात करें तो जो CPI थी ना, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कुछ बड़े बड़े मुद्दों से जुड़ी हुई थी। इनकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ पाई गई लिखते हैं, देखिएगा। They were involved in some major incidents. They were involved in some major incidents. For example, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? ये कुछ मुख्य घटनाओं में सम्मिलित थे, ये कुछ मुख्य घटनाओं में सम्मिलित थे। एक थी पेशावर कॉन्स्पिरेसी, पेशावर माने पेशावर साजिश,
1922 से 1923 में। दूसरा कानपुर कॉन्स्पिरेसी, कानपुर कॉन्स्पिरेसी 1924 के अंदर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली मेरठ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी 1929 और 1933 तक, 1929 से 19। अब इनके बारे में इन डेप्थ में हम जानेंगे लेटर ऑन। चलिए कल पढ़ेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, सामाजिक पार्टी के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।